हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता होगा, इस चैनल में ये UP SSC VPO जो है आपका, उसकी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ग्राम पंचायत को पूरे सिलेबस के अनुसार कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए, अगला टॉपिक ये शायद आपके 11वें या 12वें वीडियो होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं, अब आपकी नई यूनिट स्टार्ट हो गई, नई दो यूनिट खत्म हो गई, तीसरा यूनिट ही अब पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना। इसे आप सिलेबस में देख सकते हैं, आपको हेडिंग मिल जाएगी यूनिट। इस यूनिट के अंदर आपको पहला टॉपिक है पंचायत स्तर पर कर उपकर व आय के अन्य स्रोत के बारे में हम यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, टैक्स के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर टैक्स में आपका पंचायत कर आता है, विभिन्न प्रकार के अन्य जो कर आते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देखने वाले हैं तीसरा जो है आपका, ये आपके टैक्स आने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कौन कौन से विभिन्न प्रकार के टैक्स यहाँ पर लगते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान देना है, ये जो टैक्स लिखे ना, यहाँ पर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कर है जो कि पंचायत के द्वारा नहीं लगाया जाता है या लगाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए आपको अच्छे से इन्हें देख लेना है, मतलब आप देख लेंगे ना, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से कर है जो पंचायत लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। आप इन्हें लाइफ से भी अपने जोड़कर, अगर आप गांव में रहते होंगे, आप देखते होंगे पंचायत में अपने कैसे क्या है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, विभिन्न प्रकार के कर में आपको सबसे पहले यहाँ पर हाउस टैक्स, यहाँ पर देखिए हाउस टैक्स है, लेकिन यहाँ पर छूट किन किन चीज़ों में, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। शैक्षिक, छात्रावास, इन सब चीज़ों में छूट है। सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए छूट है, यदि आप हाउस बनवा रहे हैं, देखिए यदि शैक्षिक आवास बनवा रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स से छूट मिल जाएगी, छात्रावास है तो उसमें छूट मिल जाएगी, सार्वजनिक पुस्तकालय बनवाते हैं तो उसमें छूट मिल जाएगी, प्राचीन स्मारक संरक्षण है तो उसमें छूट मिल जाएगी। इससे संबंधित अधिनियम है 1904, ठीक है, प्राचीन स्मारक होगा, ये आपको ध्यान देना है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आपको 1904 के तहत कोई भी यदि प्राचीन स्मारक है तो उसके लिए भी आपको टैक्स नहीं देना होगा। धर्मार्थ अस्पताल, यानी आपके अस्पताल यदि होंगे तो आपको उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। औषधालय है तो उसमें भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। इसके बाद आपको व्हीकल टैक्स लगता है, ठीक है, शौचालय कर लगता है, जल कर लगता है, मेलों पर कर लगता है, जो आपके गाँव में मेला होते हैं उन पर भी कर लगता है, बाजार कर लगता है। और यहाँ पर देखिए, बाजार कर में निजी बाजार प्लस ठेला स्टैंडों पर भी कर लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके बाद है कार्ट स्टैंड और टोंगा स्टैंड पर कर संग्रह लगता है। इसके बाद आपका है पशुओं की बिक्री पर भी कर लगता है। इसके बाद विविध कर है, 9वें नंबर पर विविध कर में कौन कौन से आते थे, देखिए विविध कर में आपका टेलीकॉम टावर की स्थापना, जैसे आपकी जो सिम चलती है, आपके नेटवर्क आता है, जो टावर होते हैं उन पर भी कर लगता है। संचालन के लिए जैसे नई वस्तुओं पर भी कर लगता है, नदी खदान स्थल, पत्थर के लिए पहाड़ी खदान स्थलों पर भी कर लगता है। यहाँ पर देखिए, आप जैसे देखेंगे ना, ब्रॉडबैंड भी लग रहा है जैसे, तो उसमें भी कर लगता है, ठीक है। 10वां है प्रकाश कर, लाइट कर जो आपका आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार समझ सकते हैं। अन्य स्रोत, अब देखिए अन्य स्रोत आय के और कौन कौन से स्रोत होते हैं पंचायत के, तो देखिए आर्टिकल 280 के तहत, ये आपको ध्यान देना है, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। आर्टिकल 280 के तहत आपका वित्त आयोग जो है वो स्थानीय निकायों को जो अनुदान देता है वो उन्हें मिलता है, इसके माध्यम से उनका स्रोत, ये भी एक सोर्स है इनकम का। इसके बाद क्या, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो होती हैं उनके क्रियान्वयन पर जो भी केंद्र सरकार 100% यदि कर 100% यदि क्या कहते हैं आपका अनुदान दे रही है तो वो मिलता है, या आपको 50-50 ऐसा कुछ होता है, अनुपात में भी होता है, तो आपको वो जो मिलता है आय वो भी आपका एक प्रकार से इनकम में आती है, ठीक है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग जो आपको 243 I में आता है, स्थानीय निकाय को जो अनुदान मिलता है उसको भी उल्लेख यहाँ पर है, यानी ये भी इससे भी अनुदान मिलता है, चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये देखिए आपका ये टॉपिक हो गया। इसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक है इसी यूनिट का, राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार व क्रियाकलाप, ठीक है। हमने तो दोस्तों दूसरी यूनिट में राज्य निर्वाचन आयोग देखा था, इसमें आप देखेंगे राज्य वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। मैंने बताया था राज्य वित्त आयोग आर्टिकल 243 I के अंतर्गत आता था, अभी यहीं पर हमने बताया। इसके बाद और किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो ये भी चीज़ ध्यान देना, आर्टिकल 243 Y में भी आपका उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राज्य वित्त आयोग का। प्रत्येक 5 वर्ष में गठित होता है, किसके द्वारा गठित होता है, राज्यपाल के द्वारा गठित होता है। इस पे आपके मेंबर क्या कहते हैं, तो एक देखिए चेयरमैन जी हो गए, इसके अलावा मेंबर होते हैं, और इनकी संख्या जो होती है विधानसभा द्वारा निर्धारित की जाती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है। दोस्तों जितने पॉइंट है ना, संवैधानिक उपबंधन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये आपको देखिए GK में भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके आने हैं, या फिर ग्राम पंचायत से संबंधित, तो इसमें भी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली बन सकते हैं, चीज़ आपको ध्यान देना है। इसके लिए योग्यता क्या होगी, पंजाब में अध्यक्ष पद के लिए सार्वजनिक मामलों में अनुभव होना चाहिए। पंजाब में ऐसे क्या कहते हैं कंडीशन रखी गई है, लेकिन नॉर्मली जो होता है ना, नॉर्मली जो होता है
देखिए सदस्यों के लिए क्या है, वित्तीय और आर्थिक मामलों में पंचायत संबंधी विशेष ज्ञान और अनुभव होना चाहिए, वित्तीय मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव होना चाहिए और अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान होना चाहिए। अयोग्यता क्या है, यदि वह मानसिक रोगी है, दिवालिया है, नैतिकता में कमी का दोष है, यदि उस पर कभी लगाया और सिद्ध हुआ है तो ये अयोग्यता के एग्जाम्पल है, यानी अयोग्यता के ये कारण हैं। कार्यकाल क्या है, प्रत्येक सदस्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित कार्यावधि तक ही क्या कहते हैं नियुक्त किया जाता है, अर्थात राज्यपाल जब चाहे तो सदस्यों को हटा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे वो, ये चीज़ आपको ध्यान देना, पुनर्नियुक्ति दोबारा उनकी नियुक्ति हो सकती है। कार्यावधि पूर्ण होने से पहले राज्यपाल को त्यागपत्र भी ये दे सकते हैं, चीज़ आपको ध्यान देना है। इसको देखिए कार्य की बात कर लेते हैं तो ग्रामीण एवं शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना इनका मुख्यतः काम है। सिफारिशों की बात कर लें तो राज्य द्वारा लगाए गए और एकत्रित कर और राजस्व की कुल प्राप्ति का राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वितरण करने का काम इनका है। कर शुल्क और फीस का निर्धारण करने का काम इनका है। राज्य की समेकित निधि जो होती है, समेकित निधि से स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान देने की बात, यानी जो सिफारिश करता हो यही करता है। पंचायत हो गया, नगर पालिका, इनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय भी यही देता है, ठीक है, राज्य वित्त आयोग। और अन्य सुझाव क्या है, स्थानीय निकायों को ऋण का स्तर, पेंशन, ब्याज भुगतान, देयताएं, ऋण देन की स्थिति को विनियंत्रित करना, अर्थात देखिए कुल मिला के इसका मतलब यही है कि राज्य के अंतर्गत जो भी वित्तीय गतिविधियां होती हैं तो उनमें अच्छा संतुलन हो और राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रहे, ये सुझाव देता है उनको लेकर, ठीक है। राज्य सरकारों में स्थानीय निकाय को कार्यों का निर्धारण भी करता है, ये राज्य के सुधार कार्यक्रम तैयार करता है, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के उपाय भी देता है, स्थानीय निकायों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुनर्गठन का सुझाव भी देता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों को राजस्व संसाधन, इस पर देखिए आयोग लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए अगले वित्तीय इस पर देखिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों के राजस्व संसाधन की भी बात करता है। ये आयोग जो है आपका वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण करता है। गैर सरकारी संगठन जो आपके एनजीओ होते हैं, एजेंसियों, विभागों से संपर्क कर अन्य राज्यों से समीक्षा भी करता रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है राज्य की समेकित निधि, ये आपका आर्टिकल 266(1) में है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसी के तहत इसकी गठन किया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सरकारी खातों के सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और असाधारण कर को छोड़कर जो है आपका इसके द्वारा किया गया व्यय समेकित निधि का हिस्सा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यानी जो आपका सरकार द्वारा जो प्राप्त राजस्व होता है और जो असाधारण स्थिति होती है, इन सबको छोड़कर किया गया कोई भी व्यय समेकित निधि का हिस्सा होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राज्य की समेकित निधि में आपके राज्य द्वारा प्राप्त सभी राजस्व के लिए राज्य की एक समेकित निधि की स्थापना की गई, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। राज्य द्वारा जो भी प्राप्तियां आती हैं वो सब समेकित निधि में जाती हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, आपको जो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसे पार्टिसिपेट करें, और साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।